ATS, All Technology Solution. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें आपको बताऊंगा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। पहला तो एचपी इंक टैंक्स जो वायरलेस सीरीज है 400-419, ये आप देख सकते हैं, इसको आप कैसे इसका हेड ऊपर से जो है पूरा ये पोर्शन किस प्रकार खोलेंगे, एक तो खोलने के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और दूसरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि यदि इसके जो जो इंक की पाइप है उसमें से इंक बैक हो जाए या कोई और वजह से इंक पास ना हो रही तो उसको किस प्रकार से ठीक करें। तो मैंने काफी वीडियोज खोजी यूट्यूब पर, कोई प्रॉपर नहीं मिल पाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बना दूं। तो चलिए करते हैं शुरू। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल बनाए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें दोस्तों, इससे करेज बना रहता है, बाद में लाइक भी करें और कमेंट कर दें तो बहुत बढ़िया, ताकि हम नई नई वीडियो आपको बनाकर भेजते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो टूल है वो कौन सा है। तो देखिए, आप सिंपल ये वाला जो टूल है, अगर आपको फोकस हो पा रहा होगा, देखिए ये वाला टूल आपको लेना है इसको खोलने के लिए। और जिसका फ्रंट कवर है, सबसे पहले आप इसको खोलिएगा, ये आपने फ्रंट कवर खोला, उसके बाद यहां पर इस पोर्शन पर इस पे स्क्रू होता है, यहां पर ये आपने खोलना है, और देन नेक्स्ट स्क्रू इसका यहां पर है, ये आपने खोला। इसके बाद आप इसमें देखेंगे इस साइड में, ये देखिएगा, यहां पर एक यहां पर स्क्रू है और एक स्क्रू यहां पर है, ये भी आप खोलेंगे। और देन यहां पर उसके बाद बहुत सावधानी से, देखिए यहां पर बहुत सावधानी से इसको खोलना होता है, क्योंकि इस पर दो फ्लक्स, दो केबलें इसमें लगी हुई है। बहुत आसानी से आगे से इसको हल्का सा उठाएंगे और देन इसको ऐसे हल्का करके, क्योंकि इसमें लॉक होता है बैक साइड में, थोड़ा ध्यान रखना होता है। साथ में केबल है, एक केबल ये हो गई, एक केबल ये हो गई, इसको आराम से निकाल दें, नीचे से निकालनी है, यहां बोर्ड से नीचे, यहां से आपको इस केबल को डिटैच करना है। ये देखिए, तो ये आपका पूरा अलग हो जाएगा इस प्रकार से। अब अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये केबल कट जाएंगी और आपका प्रिंटर कंप्लीटली, चलो इसको रखते हैं किनारे। देखते हैं आगे, यहां पर क्या है फ्रेंड्स, ये जो है ये हेड है, देखिए ये हेड कैरियर है, और इस हेड तक जो इंक आती है वो इस पाइप से होकर आती है। अभी आप जैसे यहां पर देख रहे होंगे, ये देखिए इसकी जो जितनी भी इंक है ये बैक हो चुकी है, जिस वजह से क्या है इसका हेड खराब हो चुका है। हम हेड भी रिप्लेस करेंगे इसमें, कि हेड किस प्रकार रिप्लेस किया जाए, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो इंक इस तरह से बैक हो चुकी है, ये देखिए, ये इस तरह से इंक जो है पूरा ये ट्यूब इसकी खाली हो चुकी है, तो किस प्रकार से इसको हम दोबारा से रिफिल करेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप जरूर ये चेक कर लें कि आपके इंक बराबर, ये इंक टैंक जो टैंक है इनके, ये इनमें इंक होनी चाहिए, पहली बात ये है, नहीं आप सब क्या करेंगे, तो ये पहली बात। और सेकेंड, आप हम क्या करेंगे कि इसको खोलने के लिए हम इसको एक बार पुश करेंगे, इसका मैकेनिज्म कई बार प्रॉब्लम करता है, लेकिन इसको खोलकर इसको हम पुश करेंगे, पुश एंड इजेक्ट वाला है इसमें, ये देखिए, और यहां पीछे से भी आसानी से इजेक्ट हो जाता है, इसको आपने बहुत इजीली यहां से डिटैच हो जाता है ये, लेकिन कई बार प्रॉब्लम करता है। तो ये क्या करना होता है आपको, आप हल्का इसको पीछे को ले जाएंगे यूं करके, तो ये डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अभी क्या है, हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये फोर निपल्स यहां पर हैं, ये लास्ट में आप देख रहे होंगे, इसमें जो है ये चार इंक कैरियर वायर्स ट्यूब हैं, वायर्स हैं जो भी आप कहें, और इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक के लिए
अब इनको क्या करना है, हमको इस इनको वापस लेना है यहां तक, ताकि ये जो इसमें एयर बबल्स हैं बीच में ब्लैंक स्पेस है ये खत्म हो जाए। तो इसके लिए हमें हम क्या करेंगे कि ये इंजेक्शंस ले लेंगे, और ध्यान रखिए कि प्रत्येक इंक के लिए इंजेक्शन अलग अलग होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि अगर गलत इंक गलती से भी कहीं और मिल गई तो फिर आपके कलर प्रॉपर कभी आ ही नहीं सकते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा इंक दोबारा से क्या करना होगा, बदलना होगा इसको सक कर, वो प्रक्रिया थोड़ा होती है ऐसी लेकिन थोड़ा टफ होती है। तो ये देखिए हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, ये चार इंजेक्शन ले रखे हैं जिसमें हम अलग अलग किस्म की जो ये इंक होती है, ठीक है, चाहे वो श्यान हो या फिर आपकी जो है कि येलो हो, आपकी पिंक हो और देन आपकी ब्लैक हो, ब्लैक के लिए इसको ले लेंगे, थोड़ा इसमें पहले से ही इंक होनी चाहिए ताकि वो क्या ना हो कि जो सॉलिड है उसमें घुल ना पाए। तो ये हमने यहां पर रखे हुए सारे और ये रखे हैं। अभी जो सबसे पहले आप देख रहे हैं, अगर आपके पास पहले से, मैंने इससे पहले एक बार इसको किया है यूज, तो यहां पर थोड़ा कलर इसमें आया हुआ है, देखिए ये इसमें येलो कलर आया हुआ है और ये देखिए यहाँ पर इसमें पिंक कलर आया हुआ है और यहाँ पर सियान वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ब्लैक दोनों को पता नहीं चलता है, तो कई बार इश्यू हो जाता है उस मामले में। तो ये देखेंगे इसमें कौन सा कलर है, तो ये हाथ से ऐसे करके पता चल जाएगा। ओके सियान है, हाँ, और ये ब्लैक है, तो मैं ब्लैक को सबसे लास्ट में किनारे कर रहा हूं और इनका प्रयोग करेंगे। अब जिस इनको आपने सक करना है उसके लिए आप उसकी जो बोतल है उसको आप खोल के जरूर अपने पास रख लें। जैसे सपोज दैट मैं सबसे पहले येलो को ले रहा हूं, तो येलो को लेने के लिए मैंने ये इंजेक्शन लिया सिरिंज डी और बहुत आराम से इसको, इसका जो हेड है इसको पकड़ कर, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, स्प्रिंग थोड़ा टेढ़ी हो चुकी है इसकी, ये फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, दिक्कत कर लेता है। तो यहां पर ये भी ध्यान देना होता, ओए नीचे जो है टेप लगी इसमें, तो सबसे पहले ये वाला येलो, ओके, इसको इंसर्ट करेंगे और सक करेंगे इसको पूरी पाइप में। अब ये चलने लग गया, रनिंग हो रही है, आपको दिखेगा भी इसमें रन होते हुए, और देन इसको आप खाली कर दें। ओके, इसमें जब तक इंक प्रॉपर ना आए तब तक इसको सक करते रहिए। अभी आप देख रहे होंगे ये पूरा भर चुका है, लेकिन हल्की हवा भी है इसमें, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको बिल्कुल हिलने नहीं देना है, नहीं तो ये अपने ही फोर्स से वापस ले जाएगा इसको। अभी यहां तक आ चुका है हमारे पास, और ये हमारी जो पाइप है इसमें जो येलो इंक है अब वो पूरी भर चुकी है, ये मैं किनारे रख चुका हूं इसको, देन ओके, ये कौन सी है दूसरी देखते हैं, ये है, ये कौन सी है, येलो है, ये पिंक है, ओके, और पिंक का कहाँ है, पिंक का ये है, ये वाला देखिए यहां पर दिख भी रहा है, तो इसमें पिंक भी काफी बैक जा चुकी है, ये देखिए यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर देख रहे होंगे जैसे इसमें इंक, इस वाले लाइन में बहुत कम इंक है, तो इसको भी हम खींचते हैं, तो आप इसको ज्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्का सा खींच के छोड़ देना है, क्योंकि धीरे 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 ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये इसमें जो एयर बबल्स है इसके अंदर जो एयर है वो भी आएगी और साथ ही साथ इंक भी आएगी, और एक बार ऐसे फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी आप इसमें कर सकते हैं, जैसे भी दिख रहा है तो कहीं भी इसमें अब बबल नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं फाइनल। ओके, सियान में
तो ये है तीसरे नंबर पर, जैसे आप अभी देख रहे हैं इसमें काफी जगहों पर ये देखिए, ये इसमें इंक यहां पर है और उसके बाद बहुत इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ही है सप्लाई लाइन में, तो इसको भी लगाने के बाद देन करेंगे इसको। ये देखिए और रनिंग, अगर आप नीचे देख रहे हो तो रन कर रही है इसमें इंक, तो ये हो चुका है। ध्यान रखना है जब भी इंक को इसमें सक करें इंजेक्शन के माध्यम से, जो जरूर देखें कि आप किस वाले नंबर पे लगा रहे हैं, ऊपर से आपको कलर इजीली दिख जाएगा। ओके ठीक है, बहुत आसानी से ये इंक को खींच रहा है, तो हम समझ चुके हैं इस बात को कि भाई ये पाइपलाइन ओके हो चुकी है। इसको ज्यादा वो नहीं करना है, हिलाना नहीं है। अगर अब इसको आप प्रिंट यहां पर देख लीजिए, ये इसका टॉप है, ब्लैक को हम कर चुके हैं 10 ml, इसमें हम रन करा चुके हैं, इन सब में भी 10 ml रन करा चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसमें स्पेस है, लेकिन वो स्पेस भी जब आप हेड को एक बार यूज करने स्टार्ट कर देंगे तो ये सक कर लेगा ऑटोमेटिकली उतनी इनको, थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है इसमें। ये लीजिए मैंने इस पे लगा दिया है और अब हम इसको आसानी से बिना ज्यादा हिलाए हुए सेट करने की कोशिश करते हैं। हल्की सी आवाज होगी और ये सेट हो जाएगा। अभी जो है इसमें ध्यान रखें कि कहीं भी इंक वगैरह ना इसमें लगने पाए, क्योंकि पीछे से देखिए ये मैग्नेटिक टेप है, इसमें इस पर इंक लगेगी तो फिर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और इसमें कई सारे सेंसर्स भी इसके अंदर लगे होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि इंक को आपने अंदर बिल्कुल भी नहीं गिराना है। तो ये हो चुका है आपका, हमने ओहो लेकिन ये काफी इंक इसकी बैग जा चुकी है, देखिए यहां देखिए एक बार इसकी इंक जो है काफी बैग जा चुकी है, यहां पर ये इंक काफी इसकी बैग जा चुकी है। बैग जाने की वजह से यहां पर फिर से कितनी कैविटी बन गई है, देखिए यहां तो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा कैविटी है, लेकिन अब हम इस प्रोसेस को दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा करेंगे तो क्या होगा कि ये इंक को हो सकता है कि ये यहां तक ले आए वापस। अब हम इसको सीधे इसका टॉप लगा देते हैं और जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम, बाकी हम इसमें कंप्यूटर में कमांड देके प्रिंट ले लेंगे ताकि जो इसका हेड है धीरे धीरे इसको सक करना शुरू कर दे, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। इसको लगाने के लिए भी बहुत सावधानी चाहिए होती है। अब आप इसको सबसे पहले सेट कर लें, ये जो केबल है इस केबल को इस प्रकार से ये देखिए ये हमने लगा दिया है, और अब ये वाली जो केबल है इस केबल को दिख रहा है इसको अपनी जगह पर फिट करेंगे। दोनों केबल्स हमने दोनों फ्लक्स लगा चुके हैं और देन इसको बैठा देंगे। ये देखना है प्रॉपर शेप में ही सेट हो जाए, कहीं से थोड़ा सा स्पेस ना रहे, तो थोड़ा सा भी अगर इसमें गैप रहेगा इट मीन्स ये प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है। ये चारी आपको खोलनी होती है, बाकी सारी प्रोसेस आपने देख ली है। इंक को जब आप इसमें डालें बोतल में तो उसके बाद इसको जरूर से ढंग से बंद कर दें ताकि इसकी जो इंक है वो सूखे नहीं आए, ये बहुत जल्दी ही सूख कर खराब हो जाएगी। ये कॉम्बो पैक आता है प्रिंट हेड का, वैसे तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये अगर है कि आपके कोई अगर कोई कलर नहीं आ रहा है प्रिंट में, तो आप इस प्रकार से जो है स्याही को खींचकर उसको प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी ना हो तो आप क्या करें फिर हेड को चेंज करें। हेड को चेंज करना बहुत आसान है, इसमें जो है कि इसका फ्रंट पैनल को आपको खोलना होता है, देन आप अपने हेड को निकालिए चेंज करने के लिए, और इसको जो आप जब उसमें पावर सप्लाई पर लगा आ जाएगा, यहाँ पर जो हेड है ये दोनों बीच में आ जाएंगे, आपको इसको इजीली इसको पुश करना है ऊपर आ जाएगा, और आपको इस प्रकार से इसमें नीचे को थोड़ा सा दबाना है।
तो ये था फ्रेंड कि किस प्रकार से यदि आप इसमें जो है दो तीन चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। पहला कि आप इस कंप्यूटर को जो एचपी का 419 सीरीज का ये प्रिंटर है इसको आप कैसे खोलें, कहां कहां इसके उसको होते हैं, इसके जो केबल होती हैं वो किस प्रकार डिटैच करें, इसके अलावा अगर कोई कलर नहीं आ पा रहा है आपके पास प्रॉपर तो आप किस प्रकार इंजेक्शन से उसे खींचकर ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था आज की वीडियो में। आपने वीडियो पूरा देखा और आपको अगर इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और अगर शेयर कर दें तो थोड़ा सा मदद भी हो जाएगी और इस प्रकार की वीडियो हम बनाकर आपके साथ शेयर जरूर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।